मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो उस वक्त ट्रेन में होता है जो कि सो रहा था। अब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसने जिस स्टॉप पर उतरना था ये ट्रेन वहाँ नहीं जा रही बल्कि ये तो कहीं और ही जा रही है। इसीलिए वो आदमी खड़ा होता है और चेक करने के लिए जाता है कि आखिर ये क्या चक्कर है। लेकिन तभी उसका पैर खून पर पड़ने से वो स्लिप हो जाता है और गिर जाता है। वो देखता है कि पूरी ट्रेन में खून गिरा हुआ है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी अचानक वो दूसरे केबिन की तरफ देखता है। वो देखता है कि एक आदमी ने अलग तरह का सूट पहन रखा है और वो अपने हथौड़े से लोगों को मार रहा है, उनकी बॉडी को काट रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम लियोन होता है। लियोन जो कि एक फोटोग्राफर होता है और वो सर्वाइव करने के लिए काफी मेहनत करता था। फिर हमें लियोन की बेस्ट फ्रेंड माया दिखाई जाती है और वो भी एक जॉब करती थी। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन उनके पास अच्छी जॉब नहीं थी, इसीलिए माया अपने एक फ्रेंड को कहकर लियोन के लिए एक स्टूडियो में अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है ताकि वो अपने पिक्चर्स को डिस्प्ले पर लगा सके और अच्छी अर्निंग कर सके। फिर अगले दिन लियोन माया के फ्रेंड के साथ स्टूडियो जाता है जहाँ पर वो स्टूडियो की ओनर से मिलता है और उसे लियोन की पिक्चर्स ज्यादा पसंद नहीं आती, इसीलिए वो इन पिक्चर्स को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम और ज्यादा अच्छी पिक्चर्स खींच कर लाओ ताकि मैं तुम्हें अच्छी जॉब दे सकूं और तुम्हें कुछ यूनिक पिक्चर्स लानी होंगी। सो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक कि मुझे कोई परफेक्ट पिक्चर नहीं मिल जाती। फिर रात में लियोन को उसी ट्रेन के ड्रीम्स आने लगते हैं, उसी ट्रेन के जिसमें लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं। फिर वो उसी स्टेशन जाता है और कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिक पिक्चर्स क्लिक करे। फिर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं और तब लियोन उनकी भी पिक्चर्स बना लेता है। लेकिन फिर वो उस लड़की को उन लड़कों से बचा भी लेता है जिसके बदले वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है और फिर वो वहाँ से ट्रेन के लिए चली जाती है। लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा बंद होने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी अपने हाथ से ट्रेन के दरवाजे को बंद होने से रोक देता है और वो दरवाजा खोलकर उस लड़की को अंदर बुला लेता है। इस आदमी ने 8 स्टार्स वाली रिंग पहन रखी थी। ये सब कुछ लियोन भी देख रहा था और वो उस आदमी के हाथ की एक पिक्चर भी बना लेता है। वो लड़की सॉन्ग सुनते हुए ट्रेन में बैठ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वही सूट पहना आदमी आता है और उस लड़की को मार डालता है। लियोन अपनी बनाई गई सारी पिक्चर्स माया को दिखाता है। माया उन सारी पिक्चर्स को देखकर काफी खुश और काफी इम्प्रेस होती है और कहती है कि अब तुमने काफी ज्यादा यूनिक पिक्चर्स बनाई है। फिर लियोन न्यूज़पेपर में उसी लड़की की पिक्चर देखता है जिसे कल रात उसने उन लड़कों से बचाया था। न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि ये लड़की कल रात से ही मिसिंग है। ये देखकर वो फौरन समझ जाता है कि कुछ तो ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं है, गलत है और कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इसीलिए वो एक डिटेक्टिव के पास जाता है और बताता है कि कल रात इस लड़की को 3 लड़के परेशान कर रहे थे, तो क्या पता उन लड़कों ने ही इस लड़की को किडनैप किया हो या फिर उसके साथ कुछ गलत किया हो यानी उसे मार दिया हो। लेकिन वो डिटेक्टिव उसकी बात पर बिलीव करने को तैयार ही नहीं थी और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसीलिए लियोन वहाँ से निकल कर सीधा स्टूडियो की ओनर के पास जाता है और उसने जो पिक्चर्स बनाई होती है वो उसे दिखाता है और इन पिक्चर्स को देखकर अब वो काफी खुश हो जाती है और काफी इम्प्रेस भी और कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही पिक्चर्स लाकर देते रहोगे तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स को स्टूडियो में लगाऊंगी और तुम्हें अच्छी जॉब दूंगी ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको। इस बात से लियोन को काफी खुशी होती है, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड माया और उसके फ्रेंड के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 लोग उसी ट्रेन में आए हैं। उन तीनों में जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुन रखी हैं। इस बात पर उसका हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग भी तो तुम्हारे साथ ही है ना। लेकिन तभी किलर अपने हथौड़े से उसकी फ्रेंड के सर पर मारता है जिससे उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाती है। फिर वो उस लेडी के हस्बैंड को भी बुरी तरह मार कर इंजर्ड कर देता है और अब वो बढ़ता है उस लेडी की तरफ। लेकिन उस लेडी का हस्बैंड उस किलर को रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो अपने हथौड़े से उसके हस्बैंड के फेस पर मारता है। उसके हस्बैंड को मारने के बाद अब वो उस लेडी को इतनी जोर से मारता है कि उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है और बड़े ब्रूटल तरीके से तीनों की वहीं पर ही मौत हो जाती है। लियोन उसी स्टेशन के बाहर बैठा होता है और तभी वो उसी किलर को देखता है जिसने वही सूट पहना होता है। वो किलर वहाँ से निकल कर कहीं पर जा रहा होता है। तब लियोन उस किलर का पीछा करता है और उसकी पिक्चर्स बनाता है और इसी दौरान वो किलर के हाथ की अंगूठी भी देख लेता है। अब क्योंकि वो पिक्चर्स बनाता हुआ उसका पीछा कर रहा था इसीलिए वो किलर उसे देख लेता है। लेकिन वो किलर लियोन को कुछ भी नहीं कहता और अपने होटल की तरफ चला जाता है। लियोन उसके होटल का नाम नोट कर लेता है कि ये आदमी यहाँ पर रहता है। घर आकर लियोन को पता चलता है
है कि ये रिंग सेम उस इंसान की रिंग जैसी है जिसने उस लड़की के लिए कल रात दरवाजा खोला था। और अब लियोन को उस आदमी पर डाउट होता है कि जरूर इसी ने ही उस लड़की का मर्डर किया होगा। इसीलिए अब वो उस किलर पर नजर रखने लग जाता है। वो दिखता है कि ये किलर एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और डेली सबसे लास्ट वाली ट्रेन पकड़ता है। और जब लियोन उस ट्रेन में जाने लगता है तब एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है और वो लियोन को पिक्चर्स बनाने से मना करता है। कहता है कि पिक्चर्स बनाना अलाउड नहीं है। उनकी इसी डिस्कशन के बीच लियोन अपनी ट्रेन मिस कर देता है और वो ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक और आदमी उस ट्रेन में आया है और वो किलर उस पर भी अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से किलर को कुछ हो जाता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे पेन होने लगती है। और इसी बात का फायदा उठाकर वो आदमी अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है जिससे वो उस किलर पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर वो आदमी किलर को अपनी कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन तभी इन लोगों की आवाज ड्राइवर सुन लेता है, इसीलिए वो गन लेकर वहाँ पर आता है और तब ड्राइवर उस गन से उस आदमी को शूट कर देता है। ऐसा करके वो किलर को कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड किया है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर किलर का बॉस है, यानी ये दोनों मिले हुए हैं। और इसी के साथ ही हमें किलर का नाम भी पता चल जाता है। किलर का नाम महोगनी होता है। इसके बाद डेली लियोन को अपने ड्रीम्स में उस ट्रेन में होने वाले इंसिडेंट्स दिखाई देते हैं जहाँ पर वो किलर की जगह खुद को देखता है कि वो लोगों का मर्डर कर रहा है। इस बात की वजह से लियोन काफी वरीड हो जाता है, इसीलिए वो फिर से उस किलर यानी महोगनी की मीट फैक्ट्री में जाता है। वहाँ जाकर वो महोगनी की पिक्चर्स बनाने लगता है और लियोन को ऐसा करता देख महोगनी देख लेता है। ये देखकर महोगनी उसे मारने के लिए आ ही रहा होता है कि लियोन वहाँ से भाग जाता है। माया लियोन के घर आती है और वो वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स देखती है जो सारी मर्डर्स और किलिंग से रिलेटेड होती है। लियोन माया को बताता है कि सारी किलिंग्स कई सदियों से हो रही है और इन किलिंग्स के बाद एक बुचर को पकड़ा भी था लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। और वो ये भी बताता है कि पिछले कई अरसे से हादसे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जो कोई भी लास्ट ट्रेन पकड़ता है वो कभी भी जिंदा बचकर वापस नहीं आता। ये सुनकर माया कहती है कि तुम्हें इसमें इतना ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, तुम्हें इन सब चीजों को छोड़कर अपने काम पर फोकस करना चाहिए। फिर महोगनी फिर से लास्ट ट्रेन में चढ़ जाता है अपने शिकार के लिए, जहाँ पर लियोन भी उसका पीछा करते हुए फर्स्ट टाइम उस ट्रेन में आ जाता है और वो एक दूसरे केबिन में छुप कर बैठ जाता है। और जैसे ही महोगनी दो लड़कों को अपने हथौड़े से मारता है तब लियोन उसकी बहुत सारी पिक्चर्स बना लेता है। हम देखते हैं कि महोगनी अपनी विक्टिम्स के कपड़े भी रिमूव कर देता है, जूते भी रिमूव कर देता है और बाद में उनके दांत भी तोड़ देता है। और ऐसा करने के बाद वो उनके सारे बाल भी काट देता है, यानी वो अपनी विक्टिम की बॉडीज को बिल्कुल ऐसे ही नीट करता है जैसे कि बुचर्स अपने जानवर की बॉडी को करते हैं और सारी बॉडीज को मीट हुक के जरिए लटका देता है, सेम वैसे ही जैसे बुचर्स एनिमल के गोश्त को लटकाते हैं। और अब महोगनी लियोन को भी देख लेता है उसकी पिक्चर्स बनाते हुए, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भागकर लियोन के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो लियोन को मार कर बेहोश कर देता है। लियोन की जब आँख खुलती है तो वो भी खुद को लटका हुआ पाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और वो लियोन की बॉडी पर स्टैंप लगा देते हैं जो कि एक साइन था। और जब दोबारा से लियोन की आँख खुलती है तो वो खुद को आजाद पाता है और वो उस वक्त फैक्ट्री में होता है। इसका मतलब ये है कि लियोन अब आजाद है और उस किलर ने उसे नहीं मारा बल्कि छोड़ दिया। लियोन जो कि काफी इंजर्ड होता है और घर आ जाता है जहाँ पर वो माया को सारी बात बता देता है कि सारे मर्डर्स महोगनी कर रहा है, सबको मार दिया है उसने। सब लोगों को मारने के बाद वो उनकी डेड बॉडीज को एक काफी वीरान स्टेशन पर ले जाता है। लेकिन यहाँ पर लियोन के पास महोगनी की अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं होता क्योंकि उसका कैमरा तो महोगनी ले चुका था। लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए माया अपने फ्रेंड के साथ महोगनी के घर पर जाता है। वहाँ जाकर माया को काफी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं, लाइक वहाँ पर सारे टूल सारे औजार थे जिससे गोश्त को काटा जाता था। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर महोगनी आ जाता है और वो माया के फ्रेंड को पकड़ लेता है। माया को वहाँ पर एक डायरी भी मिलती है जिसमें महोगनी ने अपनी सारी किलिंग्स की डिटेल्स लिखी थी कि उसने किस डेट को किस टाइम पर कौन कौन सा मर्डर किया। ये देखकर अब माया को भी लियोन की बातों पर बिलीव होने लगा था, यानी सारे मर्डर्स महोगनी ने ही किए हैं। फिर माया जब अपने फ्रेंड को वहाँ पर ढूंढती है तब उसे अपना फ्रेंड तो वहाँ पर नहीं मिलता लेकिन उसे वहाँ पर महोगनी दिख जाता है, इसीलिए वो जान बचा कर वहाँ से भाग जाती है। और वो वहाँ से भाग कर सीधा डिटेक्टिव के पास जाती है और वो डिटेक्टिव को बताती है कि महोगनी ट्रेन में लोगों को मारता जा रहा है। लेकिन वो डिटेक्टिव इस बार माया की बात पर भी बिलीव नहीं करती, सेम वैसे ही जैसे उसने लियोन की बात पर बिलीव नहीं किया था।
उल्टा वो माया को कहती है कि महोगनी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है कि तुमने उसकी डायरी चुरा ली है। जिस पर माया कहती है कि वो डायरी मेरे पास नहीं है बल्कि मेरे फ्रेंड के पास है और मेरा वो फ्रेंड मिसिंग है, इसीलिए अब मुझे उसको ढूंढना होगा। इसके बाद माया वहाँ से निकल कर घर चली जाती है और वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शूट करके महोगनी को मार डालूंगी। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने लगती है उसके सामने वो डिटेक्टिव आ जाती है और वो माया को कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम महोगनी को उसकी डायरी वापस कर दो। ये बात सुनकर माया को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उस डिटेक्टिव पर ही गन पॉइंट कर देती है और पूछती है कि बताओ मेरा फ्रेंड कहाँ पर है। जिस पर वो डिटेक्टिव कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड उसी ट्रेन में है जो कि लास्ट स्टेशन पर रुकने वाली है। और यहाँ पर ये बड़ा राज रिवील होता है कि ये डिटेक्टिव भी उस किलर यानी महोगनी और उस ड्राइवर के साथ मिली हुई है। इसके बाद माया भी वो ट्रेन पकड़ लेती है और जब वो दूसरे केबिन का दरवाजा खोलती है तो जो कुछ भी वो वहाँ पर देखती है वो देखकर काफी शॉक्ड रह जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज लटकाई गई थी और इन्हीं बॉडीज में उसे अपना फ्रेंड भी मिल जाता है जो कि अभी जिंदा था। माया उसे आजाद करने के लिए उसका हुक निकालने की कोशिश करती है जिससे उसके फ्रेंड को काफी पेन होती है, इसीलिए वो दर्द की वजह से चिल्लाता है और उसके चीखने की आवाज महोगनी सुन लेता है। महोगनी जो कि उस वक्त किसी और इंसान की बॉडी को काट रहा था और अब महोगनी माया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ट्रेन के बाहर से ये सब कुछ लियोन देख लेता है और तब वो कूद कर जल्दी से ट्रेन को पकड़ लेता है और माया एक जगह पर छुप जाती है और यहाँ पर महोगनी और लियोन के बीच काफी फाइट होती है और इस फाइट के दौरान एक नाइफ से माया का फ्रेंड कट जाता है और बहुत ही बुरे तरीके से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर लियोन महोगनी पर भारी पड़ रहा था और वो महोगनी को बाहर फेंक देता है ट्रेन से और सोचता है कि अब खतरा खत्म हो गया है और वो दोनों बच गए हैं। लेकिन तभी ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुक जाती है, तभी वहाँ पर ड्राइवर आता है और उनसे कहता है कि सारे मीट से दूर रहना, जितनी भी यहाँ पर डेड बॉडीज हैं उन सब से दूर रहना। अब यहाँ पर हम ये जान पाएंगे कि वो लोग इतने सारे लोगों का मर्डर्स क्यों करते थे। यहाँ पर हम बहुत सारे क्रिएचर्स को देख पाते हैं जो कि उन डेड बॉडीज को खा रहे थे और लोगों को मारने का मकसद यही था कि ताकि वो उनकी डेड बॉडीज को इन क्रिएचर्स का खाना बना सके। और जब उन दोनों को इस बात का पता चल जाता है तो वो ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर महोगनी दोबारा से आ जाता है जो मरा नहीं था बल्कि अभी जिंदा था। आते ही वो लियोन पर अटैक कर देता है और यहाँ एक बार फिर से दोनों के बीच फाइट हो जाती है और फिर लियोन महोगनी के गले में एक हड्डी घुसा देता है और अब फाइनली महोगनी की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर ड्राइवर आ जाता है जो उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर्स तो इंसान के पैदा होने से भी पहले यहाँ पर पाए जाते हैं और महोगनी का यही काम था कि वो लोगों को मारकर उन क्रिएचर्स को खिला दे। और महोगनी ऐसा इसीलिए करता था ताकि ये क्रिएचर्स दिन के टाइम में किसी पर अटैक न करें क्योंकि ये खतरनाक एनिमल क्रिएचर्स हैं और अगर इनको आजाद छोड़ दिया जाएगा तो ये तबाही मचा देंगे, बहुत सारे लोगों को मारते जाएंगे और खाते जाएंगे। और इसीलिए महोगनी लोगों को मारकर इन क्रिएचर्स को खिलाता था ताकि बैलेंस बना रहे, कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करके ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। और उसने लियोन की बॉडी पर स्टैंप इसीलिए लगवाई और उसे अभी तक इसीलिए जिंदा रखा ताकि उसकी आगे का काम लियोन कर सके, यानी महोगनी की जगह लियोन ले सके और वो लोगों को मारे। ये सारी बातें सुनकर लियोन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस ड्राइवर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो ड्राइवर उसके गले से पकड़कर उसे हवा में कर देता है। ये देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि ये ड्राइवर काफी पावरफुल है, यानी इसका मतलब ये है कि ये भी उन क्रिएचर्स में से एक है जो कि अब अपग्रेड हो गया होगा शायद। और वो देखते ही देखते लियोन की जुबान खींचकर बाहर निकाल लेता है ताकि लियोन कभी भी अपना मुंह ना खोल सके, कुछ ना बोल सके। फिर वो माया की तरफ बढ़ता है जो कि इंजर्ड थी और वो एक चाकू से माया का सीना चीर देता है और वहां से उसका दिल निकाल लेता है। और अब वो उस दिल को लियोन के सामने लाता है और कहता है कि बगैर कोई बात किए हमारे लिए काम करना पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने ही माया को मरता हुआ देखकर लियोन काफी दुखी हो जाता है और काफी शॉक्ड भी। इसके बाद हमें फिर से वो डिटेक्टिव दिखाई जाती है जो कि टीवी पर माया की मिसिंग होने की रिपोर्ट देख रही थी। फिर वो महोगनी का सारा जरूरी सामान एक नए बुचर को देती है, यानी एक नए किलर को, यानी अब से महोगनी की जगह ये सारे लोगों को मारेगा। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि लियोन है, यानी इसका मतलब ये था कि उसने किलर बनने का डिसीजन ले लिया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।